हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर सेकेंड चैप्टर, रोल ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम उन सभी प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जिन प्लेसेस पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। यू मस्ट हैव सीन द कंप्यूटर एट मेनी प्लेसेस लाइक एट द रेलवे स्टेशन, बैंक्स, स्कूल, ऑफिसेस एक्सेट्रा। यानी कि आप लोगों ने बहुत से प्लेसेस पे कंप्यूटर को देखा होगा, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक, स्कूल्स और ऑफिसेस। दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ और ये सभी प्लेसेस पे कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं एट होम, यानी कि घर पे हम कंप्यूटर का यूज़ क्या क्या करते हैं। टू ड्रॉ पिक्चर्स, हम लोग घरों में आजकल लगभग सभी घरों में कंप्यूटर्स होते हैं, तो कंप्यूटर पे हम ड्राइंग करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं ना, और उसके साथ साथ हम उन पिक्चर्स को कलर भी करते हैं। टू लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मूवीज़ देखने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। गेम्स खेलने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और कभी कभी जब हमें अपने होमवर्क को करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं तो उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एट बैंक, टू कीप अ लिस्ट ऑफ कस्टमर। जो बैंक्स होते हैं उनमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो उन कस्टमर्स की लिस्ट को उन सभी कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर और उन कस्टमर की लिस्ट बनाकर बैंक्स में बैंक अपने कंप्यूटर में रखता है। सेकेंड, टू कीप ऑफ डिटेल्स अकाउंट्स। कंप्यूटर बैंक में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, उन सभी अकाउंट्स का डिटेल भी कंप्यूटर में बैंक्स रखते हैं। नेक्स्ट, टू पुट इन और टेक आउट मनी। हम जो मनी बैंक में जमा करते हैं या फिर निकालते हैं, उन सभी का इंफॉर्मेशन भी बैंक्स अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रखते हैं। नेक्स्ट इज एट स्कूल। आपने अपने स्कूलों में देखा होगा कि कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, अपने स्कूलों में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर का यूज़ टीचर्स टू टीच स्टूडेंट्स, जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है, लाइब्रेरी में क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो उन सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए, उन सभी बुक्स का जो नेम होता है, क्लासेस होती हैं या वो बुक्स किससे रिलेटेड है, ये सभी रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टू कीप द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं या जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, उन सभी के बारे में, उन सभी का डिटेल, उन सभी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्कूल्स अपने कंप्यूटर्स में रखते हैं। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर टाइम टेबल एंड रिपोर्ट कार्ड्स। स्कूलों में जो टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जिसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है या फिर जिसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए और साथ में रिपोर्ट कार्ड्स बनाने में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, एट ऑफिस, टू टाइप एंड प्रिंट लेटर्स। चूँकि ऑफिस में जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, वो सारे लेटर्स या फिर मेल्स के हेल्प से होती है, उसके ज़रिए से होती है। तो ऑफिसेज में लेटर्स टाइप करने में और उसे प्रिंट करने में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वर्क से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, सभी को कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। ईमेल भेजने के लिए, वर्क से रिलेटेड जो मेल्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें भेजने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरी। चूँकि ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स और उनकी सैलरी के रिकॉर्ड्स को भी रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हॉस्पिटल्स, टू कीप डिटेल्स ऑफ पेशेंट एंड देयर ट्रीटमेंट्स। जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें पेशेंट की, जो बीमार होता है, उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन, उसके बारे में सारे डिटेल्स रखे जाते हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो ट्रीटमेंट की जाती है, उनके जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका डिटेल कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है। टू मेक बिल एंड रिपोर्ट्स,
पेशेंट के का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसके जो बिल्स बनते हैं या फिर पेशेंट का जो रिपोर्ट होता है उसे बनाने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ हॉस्पिटल में किया जाता है। नेक्स्ट, टू चेक अ पेशेंट हेल्थ कंडीशन, पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन होती है उसे चेक करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रेलवे, टू बुक एंड कैंसिल टिकट्स। पहले क्या होता था, हम लोगों को रेलवे से टिकट बुक करने के लिए टिकट काउंटर पे जाना होता था, बट अब कंप्यूटर के यूज़ से क्या हो गया है कि हम ऑनलाइन घर बैठे ही टिकट्स बुक कर सकते हैं, या इन केस हमको यदि टिकट कैंसिल भी कराना है तो उसके लिए भी हम घर बैठे कंप्यूटर के ऐप से टिकट कैंसिल करा लेते हैं। टू कीप इंफॉर्मेशन व्हेन ट्रेन विल कम और लीव द स्टेशंस, कंप्यूटर की हेल्प से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे जो ट्रेन है वो स्टेशन पे कितने बजे आने वाली है या फिर स्टेशन से कितने टाइम पे जाने वाली है। नेक्स्ट इज़ एट होटल्स, जो होटल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग जाकर स्टे करते हैं, तो जो रिसॉर्ट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, इनमें भी कंप्यूटर्स का काफ़ी यूज़ होता है। इनमें जो यूज़ होता है उसे देखते हैं। टू कीप डिटेल्स ऑफ गेस्ट एंड देयर स्टे इन द होटल, ये जो होटल्स होते हैं वो अपने गेस्ट जो मेहमान उनके होटल में आते हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स लेते हैं, और वो जो रुकते हैं उनके बारे में भी सारे डिटेल्स अपने कंप्यूटर में रखते हैं। नेक्स्ट, टू कीप अ लिस्ट ऑफ द रूम्स इन द होटल, उनके होटल में कितने रूम्स हैं इनके बारे में भी, इनकी लिस्ट भी अपने कंप्यूटर में रखते हैं। नेक्स्ट, टू मेक बिल्स, उनके होटल्स के जितने जो बिल्स बनते हैं उन बिल को बनाने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, उसे हम देखते हैं। फर्स्ट, कीप रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल एंड मैच फिंगरप्रिंट एट पुलिस स्टेशन, जो कंप्यूटर्स का यूज़ पुलिस स्टेशन में भी होता है, वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं या फिर उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन्हें मैच करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, पुट सैटेलाइट इन स्पेस, अभी जो सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें स्पेस पे भेजने के लिए भी, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए, सभी कामों के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्रिएट कार्टून कैरेक्टर इन मूवीज़, हम अपने मूवीज़ में जो कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं उन कार्टून कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प से ही उन कार्टून कैरेक्टर्स को बनाया जाता है। डिज़ाइन बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज है, बुक डिज़ाइंस करने की, मैगजीन्स की इंडस्ट्री या न्यूज़पेपर, इन सभी को प्रिंट और पब्लिश करने की जो इंडस्ट्रीज है इनमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टेल अस अबाउट द वेदर इन एडवांस, जो कंप्यूटर्स होते हैं वे हमें वेदर के बारे में पहले से ही बता देते हैं, हम पहले से ही जो कंप्यूटर्स की हेल्प से वेदर का पता लगा लेते हैं कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ या आने वाले समय में वेदर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों का की जानकारी हमें कंप्यूटर से आसानी से मिल जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 बेसिक स्टेप्स, जो हमारा कंप्यूटर है वो 3 बेसिक स्टेप पे काम करता है। फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेस एंड थर्ड इज आउटपुट, यानी कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, और इस पूरे सर्कल को या इस पूरे प्रोसेस को हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे आईपीओ साइकिल कहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं एक एग्जांपल से, जैसे ये फिगर देख रहे हैं आप, इस फिगर में ये जो शार्पनर और ये ब्लंट पेंसिल है ये हमारा इनपुट है, यानी कि इसी पे हमें वर्क करना है। जब तो ये ब्लंट पेंसिल है, इसे शार्पनर से क्या यूज़ होगा, शार्पनर इसे क्या करता है, शार्प करता है ना, तो जब हम शार्पनर से पेंसिल को शार्प करने का काम करते हैं तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है। देन जब हमें ये शार्प पेंसिल मिलती है तो ये हमारा आउटपुट है, यानी कि हमारा जो काम है वो 3 प्रोसेस से होके गुजरा, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक, कंप्यूटर भी इसी तरीके से वर्क करता है, हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं,
देन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, और ये जो रिजल्ट प्रोवाइड कराता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट। द डाटा इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। जैसे कि मैंने अभी ही बताया आपको कि जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस या कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसे हम देखते हैं। 2, 3 प्लस, और ये प्लस का साइन है ना, ये हमारा इनपुट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो 2 और 3 है ये हमारे इनपुट डाटा है, यानी कि 2 और 3 जो हमने कंप्यूटर को दिया है वो हमारा डाटा है, और जो हमने यहाँ पे प्लस का साइन दिया है तो ये हमारा इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि हमारे कंप्यूटर को ये 2 और 3 डाटा के साथ जो वर्क करना है, जो हमने जो कमांड दिया है वो क्या करना है, प्लस का है, यानी कि कंप्यूटर को ऐड करना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डाटा इंस्ट्रक्शन और कमांड हम कंप्यूटर को दिए वो हमारा इनपुट कहलाया। नेक्स्ट इज प्रोसेस। द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। मतलब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रोसेसिंग का काम CPU में होता है ना, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो हम जो भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो वर्क CPU में होता है। तो ये जो CPU होता है वो जो हम डाटा कंप्यूटर को दिए हैं वो उस पर हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, और इसी वर्क को करने को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो पहले दिए थे, जब हमने कंप्यूटर को डाटा दिया था 2 और 3 और इंस्ट्रक्शन दिया था, साइन दिया था हमने प्लस का, उसे कमांड दिया था ऐड का, तो कंप्यूटर ने जिस पे उसका एडिशन किया, तो ये वर्क हमारा प्रोसेसिंग कहलाया, यानी कि कंप्यूटर जो वर्क कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है वो एडिशन का वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो उसने एडिशन का वर्क परफॉर्म किया इसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट। द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। तो प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, जो रिजल्ट हमें देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। जैसे जब कंप्यूटर को हमने 2 और 3 डाटा दिया और प्लस उनसे हमने इंस्ट्रक्शंस दिया एडिशन का, तो हमें रिजल्ट मिला 5, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो ये जो 5 हुआ, जो रिजल्ट हमें मिला, ये हमारा आउटपुट हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेस क्या है। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।